रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह आप लोग भी ठीक होंगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ रवा यानी सूजी का गुलाब जामुन। तो यहाँ पे हमने लिया है एक कप सूजी और यह है दो कप शक्कर। हमने इस कप से लिया है सूजी भी और शक्कर भी, और इसी कप से हमने लिया है दो कप दूध। तो सबसे पहले चलिए मैं दूध पर रख देती हूँ गलने। यहाँ पे हमने लिया एक प्यारी सी स्टील की कढ़ाई। कढ़ाई में डालूंगी दो चम्मच घी और इसी में डाल दूंगी दूध। अब इसको एक उबाल लाऊंगी। तो यहाँ पे उबाल आएगा जब तक दूध में हम रख लेते हैं, चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने चाशनी डाल दिया फ्राई पैन में और इसमें डाल दूंगी दो कप पानी। दो कप पानी डाल दिया। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ चाशनी में हाफ टी स्पून इलायची पाउडर। तो यहाँ पे देखिए दूध में उबाल आ गया है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके रवा डालती जाऊंगी और चलाती जाऊंगी। ये देखिए है ना, थोड़ा थोड़ा करके हमने डाल दिया, इसको चलाती रहूंगी। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको इसको पकाना है, नहीं तो हाई फ्लेम पे पकाएंगी तो ये जो है जल्दी से दूध जो है एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर आपका गुलाब जामुन अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए ये होने वाला है, दो मिनट लगता है इसको पकने में बस। ये देखिए दो मिनट हो गया, तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक थाल में। यहाँ पे देखिए हमने निकाल लिया, अब इसको बंद करके छोड़ दूंगी 5-6 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए चाशनी भी हो गया है, इसको बिल्कुल गाढ़ा नहीं पकाना है, इस तरह से आपको लेना है। ये देखिए ये इससे ये देखिए चपक रहा है हाथ में ना, हमने गैस को कर दिया बंद, इसको उठा लेंगे। तो यहाँ पे मेरी चाशनी भी रेडी है। यहाँ पे देखिए ठंडा हो चुका है थोड़ा सा कि हाथ से मैं सह सकती हूँ। तो आपको हाँ एक चीज मैं बताना भूल गई, आपको बारीक सूजी लेना है, हाँ मोटा नहीं। अगर मोटा है तो उसको मिक्सी में के जार में डाल के थोड़ा सा घुमा लेने का एक दो बार बस, तो अच्छा हो जाए। चलिए मैं इसको गूंद लेती हूँ। यहाँ पे देखिए हमने मसाले से 5-6 मिनट तो इसको गूंद लिया, बहुत सॉफ्ट आटा है और बनकर रेडी हो गया। तो चलिए मैं इसका जो है आपको बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए हमने छोटे नींबू के जैसे एक टुकड़ा तोड़ लिया है, अब इसको जो है गोल गोल राउंड कर। तो ये देखिए हमने इस तरह से गोल गोल बहुत सॉफ्ट और चिकना, ये देखिए एक भी दरार नहीं है। आप इसको अच्छे से गूंदिएगा जब तक इसमें बिल्कुल चिकना पन्ना आ जाए। ये देखिए तो मैं एक और आपको लंबा, तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से गोल किया, फिर उसके बाद इसको थोड़ा से इस तरह से फ्लैट कर दिया, लंबा लंबा हो गया ना। तो चलिए मैं बना के दोनों तरफ में आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे जो है गुलाब जामुन के गोले और लंबे दोनों बना लिए हैं। ये देखिए तो मैं रख देती हूँ तेल। तो यहाँ पे हमने रख दिया तेल गर्म करने के लिए। आप तेल घी दोनों मिला के यूज कर सकते हैं और चाहे आप घी में ही आप फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक छोटा सा बॉल डाल के देखूंगी कि तेल हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए तेल हो चुका है, बबल्स आ रहा है और वो ऊपर आ चुका है। तो अब मैं इसमें एक एक बॉल करके इस तरह से मैं डाल दूंगी। हमने आधा इसमें डाल दिया और इसको टच नहीं करना, सिर्फ आपको इस तरह से 1-2 मिनट के लिए हिलाना है, नहीं तो ये फट जाएगा। अब बनाने जाएंगे काला जाम या गुलाब जामुन, तो बन जाएगा रवा का हलवा। यहाँ पे देखिए हो गया है माशाल्लाह से, बिल्कुल गोल्डन फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे हमने रखा है चाशनी। चाशनी हल्की सी गुनगुनी है, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका ये जो है अड़ जाएगा, इसका जो है अंदर एयर नहीं जाएगा। चलिए सारे निकाल लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको इस तरह से चाशनी पिला रही हूँ, इसको डुबा रही हूँ। ये देखिए अभी डूब जाएगा, अभी तो ऊपर ही तैर रहा है, और जब इसमें चाशनी पी लेंगे तो ये अंदर बैठ जाएगा। तो मैं इस तरह से ये जो लंबे वाले बनाए थे ना, ये देखिए वो डाल रही हूँ। यहाँ पे देखिए हमने सारे डाल दिया है और इसको इस तरह से हिला देने का बस। जो है गुलाब जामुन माशाल्लाह से बन के रेडी हो चुके हैं, ये रस पी चुके हैं माशाल्लाह से। जो है मैं आपको एक दिखा देती हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल ये अंदर तक रस जा चुका है ये। तो आप इसको 1 घंटा रख दीजिएगा और अंदर तक पूरा रस चला जाएगा। अब इसमें खोया और मावे की कोई ज़रूरत नहीं, ये खुद ही मावा और खोया का टेक्सचर ले लेता है। तो यहाँ पे मेरी वीडियो होती है खलास, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करें और दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू।